अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC DLED प्रथम सेमेस्टर विज्ञान। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपकी ये पार्ट टू वीडियो आज आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पार्ट वन ना देखा हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको पार्ट वन भी देखना है। लेकिन दोस्तों चलिए उसमें आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप दोस्तों आज यहाँ सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय के साथ इस वीडियो के साथ दोस्तों आपके कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। तो दोस्तों जिससे कि आपका पेपर में 25 में 25 अंक कंफर्म हो सकेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर दोस्तों अगर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं तो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कम आंसर कर पाते तो आप वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाए, नहीं तो दोस्तों फिर दिक्कतें होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों आपके सामने, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो दोस्तों क्या क्या होता है, जायांग, अंडक, कार्पोल, स्त्री, केसर, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पहले ये सब क्वेश्चन आपके 2019 पेपर में पूछे जा चुके हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आते तो आप ये क्वेश्चन मिस मत करिएगा। सजीव के एक लक्षण दोस्तों आपको लिखना है, निश्चित आकार एवं माप, कोशिकीय संरचना होगी, देखिए सजीव अगर होगा तो उसमें क्या क्या होगा, श्वसन होगा, गति होगी और उत्सर्जन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखना है, कितना आसान क्वेश्चन था। शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं दोस्तों आपके, हाथी, दरियाई घोड़ा, बकरी, मांसाहारी दोस्तों कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल किसे कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अंग्रेजी में। तो दोस्तों यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने के बाद गोटी बहुत तेजी से फिसलती है, यदि आटा चक्की के पट्टे में घिस जाए, ठीक है, यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा, चक्की की गति नहीं करेगी, घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने पर होने के कारण ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप चक्की देखे होंगे ना, जो उसमें पट्टियां रहती है बिल्कुल क्लीन रहती, प्लेन रहती है, तो घूमती रहती है, अगर उसमें हल्का हल्का आप थोड़ा अवरोधक उत्पन्न कर दें तो दिक्कत होगी। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। देखिए जहां पर फ्रिक्शन फोर्स कम होता है वहां पर आप फिसलते बहुत ज्यादा, कभी कभी आपने चलते हुए एक्सपीरियंस किया होगा, बारिश में आप फिसलने लगते हैं तो उस समय का घर्षण बल कम होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, ये बताना था आपको, तीन होती है, सभी बच्चों को पता होगा, ठोस होती है, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन, समय का मानक मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आपका समय का सेकंड होता है। तो दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में, कि जो आप पदार्थ की भौतिक अवस्था है तो आपकी तीन होती है, लेकिन आपने कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की पांच भौतिक अवस्थाएं होती है, क्या क्या होता है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन तो है ही है, चौथी दोस्तों एक आपकी ये होती है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा आपने सुना होगा, और एक आपने दोस्तों सुना होगा आपने बोस, आइंस्टीन, ठीक है, तीन, कंडेंसेट सुना ही होगा, कंडन सेट। देखिए दोस्तों हर जगह ये अलग अलग देखने को मिलता है, तो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों चार तो आपने नॉर्मली होता है कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, लेकिन आपने थोड़ी दिन पहले सुना होगा बोस कण की खोज हुई थी, बोसान कण, क्योंकि दोस्तों उसमें काफी चीजें होती है तो उसके बारे में काफी एक्सप्लेन और कर देंगे, लेकिन दोस्तों आपके BTC लेवल पर इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है। देखिए दोस्तों होता है क्या ना, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण को दो श्रेणियों में रखा जाता है, एक दोस्तों आपका होता है फर्मियांस और दूसरा होता है बोसांस, ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें होती हैं, फर्मियांस में आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें होती हैं, तो लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपको तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको उत्तर कैसे करना है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं या कैसे क्वेश्चन बनता है तो उस समय डिपेंड्स करेगा। तो लेकिन दोस्तों हमने बता दिया कि जो पदार्थ की पांच अवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, उससे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है ना, लास्ट में सेट लिखा तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सजीव वस्तुएं क्या होती है, आपको बताना है, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता वे निर्जीव वस्तुएं होती हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं विषाणु को बोलते हैं,
पौधे में कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो पौधे में आपके जड़ होता है, तना होता है एवं पत्ती, कुल 3 भाग होते हैं। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है दोस्तों? तो पौधों में प्रजनन आपका 3 प्रकार से होता है। पौधे एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत तो होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों में ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताने आपको दोस्तों। सभी पौधे एवं जंतुएं अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, पुष्प में कितने प्रकार, कितने भाग होते हैं ये आपको बताना है। तो पुष्प में टोटल आपके 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे अब, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो दोस्तों, जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आपका, संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये आपको बताना है कि जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, तो उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पौधों में जड़ का क्या उपयोग होता है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि पौधों में जड़ का क्या उपयोग होता है। पौधों में भूमि से जल, खनिज लवण उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा। तो पौधों में जड़ों तथा, ठीक है, पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पर परागण क्या होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। जब पुष्प के परागण, ठीक है, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया को पर परागण कहलाती है। पुर के मतलब पुष्प के नर अंग का नाम लिखना है दोस्तों, तो इसका आंसर होता है आपका पुंकेसर। याद रखना है पुष्प के नर अंग का। फलों में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो फलों में जल की मात्रा 90% होती है। पौधों में जल का क्या कार्य होता है ये बताना है। पौधों में भूमि में, ठीक है, पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, पौधों में जड़ का यही कार्य होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपका, जलीय पौधों को क्या कहते हैं? तो जलीय पौधों को हम जलोद्भिद कहते हैं। जलीय जंतुओं को क्या कहा जाता है दोस्तों यह बताना है। तो जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं ये लिखना है। तो मछलियों को श्वसन लेने के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका धारारेखित शरीर। मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो मूसला जड़ों को हम शंखरूप, कुंभ रूप एवं तर्क रूप, कुल 3 भागों में बांटा गया है। अब स्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं दोस्तों ये बताना है। तो भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती है, जैसे शकरकंद आदि। अमर बेल पौधों का सामान्य परिचय दोस्तों देना है। तो अमर बेल एक परजीवी पौधा है जो अपने अपना जीवन मतलब चूषक जड़ों के द्वारा आधार पोषक पौधों से लेता है। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो इसे दोस्तों मूसला जड़ कहते हैं। आर्द्रता ग्राही जड़े क्या होती है ये आपको दोस्तों बताना है। तो ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों तथा द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं, इन्हें आर्द्रता ग्राही या वायवीय जड़े कहते हैं, यथा आर्किडिक की जड़ें। ठीक है, आर्किड की जड़ें। श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें लवणोद्भिद पौधों में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती है? तो दोस्तों पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पांच पांच पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम हमें लिखना है दोस्तों। तो पुष्पी पौधे कौन से हैं? आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। और अपुष्पी पौधे दोस्तों बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मांस और फर्न। अब दो कवक के नाम दोस्तों हमें लिखना है। तो दो कवक कौन से हैं? कुकुरमुत्ता का पौधा और राइजोपस का पौधा। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखे जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है? तो बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता और स्पाइरोगाइरा। साग, झाड़ी तथा वृक्षों के पांच पांच उदाहरण दोस्तों आपको लिखना है। तो साग में क्या है? सरसों, गेहूं, मूली, तुलसी और सूरजमुखी, सूर्यमुखी। झाड़ी में दोस्तों आपके चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा और गुड़हल। वृक्ष में दोस्तों ताड़, आम, नारियल, नीम और चीड़। ठीक है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम दोस्तों लिखना है? पीपल और नीम। तो बहुत साल तक दोस्तों ये चलते हैं, आपने देखा होगा ना पीपल का पेड़, सुना होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है,
नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह विधि आपकी निषेचन कहलाती है। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? तो दोस्तों बीजों का जो प्रकीर्णन होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा तथा मनुष्यों के द्वारा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल याद रखना है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो लंबाई का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। 12 इंच बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। तो दोस्तों आपके 12 इंच में लगभग आपके कितने हो जाएंगे पता है? 12 इंच बराबर होगा आपका 30 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसको भी आपको दोस्तों याद रखना है। 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 फुट में आपका 30 सेंटीमीटर लगभग होता है। तो वही हो गया कि 12 इंच बराबर 1 फुट हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? एक गज में कितने फुट होते हैं? तो एक गज में दोस्तों 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती है? किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको लंबाई चाहिए होगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, आप ईंटा देखे हो ना, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है 3 चीजें। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? तो दोस्तों सबको पता है कि थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, डॉक्टर तापमापी, डॉक्टरी तापमापी लिखा या थर्मामीटर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है दोस्तों? देखिए, हमारे दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि सही ज्ञान के लिए माप के मानक मात्रक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न दोस्तों कैसा बन सकता है पेपर में? लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों मात्रकों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, छोटी लंबाई मापन के लिए हम मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है, तथा बड़ी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 गुने बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राय किस मात्रक में मापते हैं? देखिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल दोस्तों जो आपका होता है डेसिमल में होता है, एकड़ में होता है, हेक्टेयर में, वह देसी भाषा में दोस्तों बीघा बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे ना, इतने बीघा हमारी जमीन है, या बिस्वा भी होता है कहीं कहीं। फिलहाल दोस्तों आप लोग पेपर में ऐसे लिखेगा, खेत का जो क्षेत्रफल होता है डेसिमल, एकड़ या हेक्टेयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है दोस्तों? देखिए, घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। आयतन किसे कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई वस्तु होता है उसके द्वारा जितना भी जगह घेरा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयतन बोलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मूल मात्रक आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय है। ठीक है, गति कितने प्रकार की होती है दोस्तों? सबको पता है ये 4 प्रकार की, रेखीय, घूर्णन, वृत्तीय और दोलन गति। ठीक है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान का मानक मात्रक आपका किलोग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप आपका 37 डिग्री सेल्सियस। गति किसे कहते हैं दोस्तों आपको ये बताना है। तो गति के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को हम गति बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई वस्तु यहाँ खड़ा था, थोड़ी देर बाद आगे चला गया, तो उसमें कुछ ना कुछ गति तो हो रहा है। तो दोस्तों अब गति के प्रथम नियम को आपको बताना। तो गति का प्रथम नियम क्या है? इसके अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराना मतलब विरामावस्था में ही रहेगी। मतलब कोई वस्तु खड़ी है तो वह हमेशा खड़ी रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को ट्रेन होती है दोस्तों, जब तक चला देते तो चलती रहती है, लेकिन बाह्य बल का मतलब क्या हो सकता है कि जब उसमें ब्रेक ना लगाया जाए या कुछ और रोकने के लिए। ठीक है, ये बाह्य बल होता है आपका। घूर्णन गति किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह गति आप उसकी घूर्णन गति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, एक ही जगह बार बार गोल गोल घूम रही ना, तो घूर्णन गति हो गई। अब वृत्तीय गति क्या दोस्तों? जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे वृत्तीय। जी हाँ दोस्तों, वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार मार्ग आपकी घड़ी हो गई जैसे। ठीक है, घूर्णन गति में अंतर बस इतना है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बल किसे कहते हैं आपको ये बताना। बल, बल वह धक्का या खिंचाव जो एक दूसरे वस्तु मतलब एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। दोलन गति किसे कहते हैं? जब वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? देखिए, झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग, लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, मकानों में सीढ़ी के रूप में, पहाड़ियों में घुमावदार सड़कों को रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका चाल से, कि चाल से क्या तात्पर्य होता है?
तो किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह दिशा था। अब बल कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना दोस्तों। तो ये आपके 5 प्रकार के, पेशीय बल, गुरुत्वीय, चुंबकीय, घर्षण बल और विद्युतीय बल। तो दोस्तों हर एक बल के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युतीय बल किसे कहते हैं ये आपको बताना। तो दोस्तों वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, वह कार्य करता है, उसे हम विद्युतीय बल कहते हैं। पदार्थों की विलयता से आप क्या से ये आपको दोस्तों समझाना है। जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात वे पानी में घुल जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह पदार्थों में विलयता है। पदार्थों के पृथकता की आवश्यकता विधियों के नाम बताइए दोस्तों। बिनना, चलाना, छानना, वाष्पन और आसवन विधि। थर्मामीटर आखिर होता क्या दोस्तों, आपको यह समझाना है कि थर्मामीटर क्या होता है। तो दोस्तों थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों एसआई मूल राशियों की संख्या आपके साथ होती है। चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहां पर हुई थी दोस्तों? इसका आंसर होगा मैग्नीशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, मात्रक किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही मात्रक कहा जाता है। ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं दोस्तों? एबोनाइट की छड़ को फिलालेन से रगड़ने पर छड़ में प्राप्त होने वाला आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। नैनो सेकंड में कितने सेकंड के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10⁻⁹ सेकंड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी। ये पढ़ा होगा ना दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा W बराबर इंटू एफ इंटू डी। दोस्तों वही होता है, F फोर्स होता है, D का मतलब विस्थापन है, डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई कण 1 सेकेंड में जितने कोण घूमता है, इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, लगाया गया जो दोस्तों किसी चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर जो बल लगाया जाता है उसे चुंबकीय बल। पदार्थ की अवस्था है दोस्तों बतानी है। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव एवं गैस, कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, हमने फिर से बताया था आपको कि आपकी प्लाज्मा, और अभी आपने दोस्तों बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, तो 5 तरह के पेपर में अवस्था है, आप लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ कौन थे जो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, अवस्थाओं में रहते हैं? तो दोस्तों इसका अंतर क्या होगा? गंधक एवं जल। पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतरार्धिक अवकाश सबसे अधिक होता है। देखिए, पदार्थ की गैसीय अवस्था में अंतरार्धिक अवकाश सबसे अधिक होता है। देखिए दोस्तों, ये आप ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो जल होता है आपका ना, पहले आप नॉर्मल जल होता है तो ये द्रव अवस्था में, जब इसको आप दोस्तों बर्फ जमा लेते हैं तो ये एक तरह से ठोस अवस्था होता है, जब आप इसको उबाल देते हो तो गैस बन के भाप बनकर उड़ जाता है ना, तो ये आपका गैसीय अवस्था। तो 3 तरह से ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण किसे कहते हैं? आपको ये समझाना था। तो किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने को हम पृथक्करण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विलायक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव में विलेय या द्रव को विलायक कहते हैं। यौगिक क्या है दोस्तों, ये आपको समझाना है। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। पृथक्करण की कोई दो विधियां बताना है दोस्तों। भाप आसवन विधि पहला, दूसरा प्रभाजी आसवन। मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों, ये समझाना है। ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में हो सम्मिलित रहते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल गए हैं, आप इसे कैसे पृथक करेंगे? तो दोस्तों इसको आप छान कर पृथक कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चीनी के शरबत में कुछ भी मिल जाएगा। अब चीनी तो उसमें बाहर होगा नहीं, आपको पता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण या मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। मीटर पद्धति किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए सर, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हम मीटर पद्धति कहते हैं। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए दोस्तों। लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप आदि। समय का मानक मात्रक आपका सेकंड है। आयतन का मानक मात्रक आपका घन मीटर है। समय की अवधि का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो समय की अवधि का मापन दोस्तों आप सेकंड में, मिनट, घंटा, दिन अथवा माह अथवा वर्ष में करते हैं। तो ये बात तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे ना कि अभी इतने सेकंड बाद आ रहा है। बोलते हैं ना, 2 सेकंड का टाइम दे दो, 2 मिनट का, 2 घंटा, 2 दिन, 2 साल, जो भी कहते हो आप लोग। क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है दोस्तों? तो वर्ग मीटर स्क्वायर। स्वपोषी किसे कहते हैं? देखिए, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः स्वपोषी कहलाते हैं।
परपोषी किन्हें कहते हैं? जंतु तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा सकते, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। श्वसन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों आपको ये समझाना है कि जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रमुख श्वसन अंगों के दोस्तों अब आपको नाम बताने हैं, तो फेफड़े, गलफड़े आदि, ठीक है ना? तो फेफड़े आपके इंसानों में होते हैं और गलफड़े आपकी मछलियों में होती हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? दोस्तों प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा कि जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किन्हें कहते हैं? तो जल में रहने वाले पौधे, ठीक है, और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। दोस्तों जो जल में रहते हैं तो वो जलीय पौधे हो जाएंगे और जलीय जंतु हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए? देशांतरण से क्या अभिप्राय है? दोस्तों देखिए, पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं, कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक होता है। मृत्तिका किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? दोस्तों साधारण या मृदु कांच। पुष्प के मुख्य चार अंगों के नाम लिखिए दोस्तों। तो पुष्प के मुख्य चार हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। गति के द्वितीय नियमों को प्रतिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, गति का द्वितीय नियम, इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उसी द्रव्यमान M तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण एक बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सिलरेशन F बराबर, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर M into A, ये गति का दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट करना है। देखिए, ये पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखे होंगे ना, कुछ कांच होते हैं जिनके आर पार हम देखते थे, और कुछ लड़के और लड़कियां दोस्तों दोनों के जो पारदर्शी कपड़े पहनते हैं ना, आर पार दिखता है, और उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है, जैसे पानी, कांच आदि। ये पदार्थ आर पार हम नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है दोस्तों, तथा उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है, जैसे वायु। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, उन्हें पारभासी कहा जाता है दोस्तों, जैसे तेल, लगा कागज, बटर पेपर, पॉलिथीन आदि। तो दोस्तों देखिए, अपारदर्शिता में आप लोग कुछ उदाहरण और देखिए, लिखिएगा वायु की जगह, जैसे आपका लोहा हो गया ना, लोहे के आर पार आप नहीं देख सकते, घर के आर पार नहीं दिखता, तो ईट हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसे परमाणु कहते हैं। अलैंगिक जीव जनन की 5 विधियां प्रकारों के नाम दोस्तों लिखना है। पहला हो गया दोस्तों विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, चौथा बीजाणुओं द्वारा, ठीक है, और पांचवा कायिक प्रवर्धन। घर्षण बल क्या होता है दोस्तों ये बताना है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम दोस्तों लिखना है। पहला रोपण, कलम लगाना, दाब और कलम। पत्तियों का दोस्तों मुख्य कार्य आपको बताना क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराना करना। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन आपकी कहलाती है, जैसे दोस्तों कपूर, आयोडीन और नौसादर, ठीक है ना? जब किसी दोस्तों हम पदार्थ को गर्म करते हैं वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदलता है, इस बात को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? दोस्तों ये आपकी घूर्णन गति है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है उनका नाम लिखिए दोस्तों। आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ठीक है, याद रखना है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक विशेषता दोस्तों आपको बताना है। जलीय पौधे के तने के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जल कुंभी, तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि यह इसकी पत्तियां चपटी हैं और इसकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती है, इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कीट बच्ची पौधे की विशेषता व नाम बताना आपको। देखिए दोस्तों, जो कीट बच्ची पौधे दलदली भूमि में उगते हैं इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता,
इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं, उदाहरण घटपरड़ी और ड्रोसरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण आपको देना है। तो लट्टू का घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना, ये आपका कौन सी गति दोस्तों, ये आपकी एक वृत्तीय गति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं, पुष्प, फल, तना, पत्ती, प्राथमिक जड़ तथा द्वितीय जड़। द्वितीय जड़, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 0 डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर में मानव शरीर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम दोस्तों लिखिए। तो अलैंगिक प्रजनन कौन कौन सी दोस्तों, पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, चौथा बीजाणुओं द्वारा और पांचवा है कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने वीडियोस देखा होगा तो उसमें काफी क्वेश्चन के आंसर आपको पता होगा। तो दोस्तों आपका ये क्विक रिवीजन था, ठीक है। अगर दोस्तों आपने पहले इंटर हाई स्कूल तक अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और जो बच्चे बायो से होंगे तो उनको ये सब्जेक्ट तो बहुत ही मजा आया होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल मैथ नहीं थी। तो सिंपल सी बात है कि बायो के क्वेश्चन काफी थे, तो मतलब जो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन दोस्तों कोई बायो के बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं था इस वीडियो में, लेकिन फिर भी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और इसका दोस्तों ये आज आपका पार्ट 2 था। अब इस वीडियो का समाप्त होते ही दोस्तों सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना, अगर आपने ना देखा हो, देखा हो तो अच्छी बात है, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपकी वीडियो कंप्लीट होगी, तब जाकर दोस्तों आपके 25 में 25 अंक बनेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।